मिठियालवी ने बहुत इसरार किया कि मेहर रजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, तो मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब भी वहां मेरे पास आए थे, तो मैंने इनको दावत दी कि आपकी तशरीफ लाए। और उलमाए गिरामी सबके नाम तो मुझे नहीं आते, और हमारे एक और नस्बत के हवाले से कि मैं इनसे कहा भी करता हूँ कि दुनिया की नस्बतें तो बड़ी आर्जी हैं, लेकिन जिस नस्बत से मैं इनका ख्याल करता हूँ, हमारे कुद्दूसी साहब, राहत कुद्दूसी साहब, तो हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के नस्बत से इनका ताल्लुक है, तो इस हवाले से मैं इनका एहतराम भी करता हूँ, ख्याल भी करता हूँ। तो ये सब हजरात आप तशरीफ फरमा हैं। मैं ये इतना बड़ा मौजू है कि मेहर व रजा, तो इसमें अगरचे इन दोनों अल्फाज के हुरूफ तीन तीन हैं, मेहर के भी तीन हुरूफ हैं, रजा के भी तीन हुरूफ हैं। एक तो लफ्जी मुमासलत भी है, यानी हुरूफ के एतबार से, तो फिर आप देख लें कि ये लोग कितने करीब हैं। और फिर मफहूम के एतबार से कि मेहर के दो माने होते हैं, ये फारसी जबान का लफ्ज है, मेहर का मैना मोहब्बत और मेहर का मैना आफ्ताब, दो माने हैं इसके। और रजा जो है ये खुशनूदी के माने में ये लफ्ज है, ये अरबी का लफ्ज है, तो इसमें भी यानी वो मौजूद है खुशरूदी का अंसर कि ये किसी से राजी है या कोई इस पर राजी है, यानी वो, ये मैं एक बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं होती कि आप हर बात किताब से करें। जब इतनी किताबें इंसान पढ़ता है तो बहुत सी किताबें अंदर समा जाती हैं, और फिर अपनी किताब भी एक होती है इंसान की। अगर इंसान को इत्तेफाक हो उस किताब के खोलने का, पढ़ने का, अल्लाह ताला ने
इंसान को जो ज़हन अता किया है वो एक खुली किताब है। तो रजा में ये भी है कि ये किसी पर राजी है या कोई इस पर राजी है, यानी वो मफहूम रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। तो ये उस सिलसिले से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत है कि ये किसी सतह पे भी, किसी मंजिल पे भी ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि ये उन पर राजी ना हो या वो इस हस्ती पर राजी ना हो, क्योंकि इनकी सारी जिंदगी उनकी खुशनूदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए गुजरी। और लफ्ज़े मेहर जो है इसका माना मोहब्बत है, वो तो उन्होंने अपने एक शेर में ये इसकी वजाहत कर दी थी, मेहर है सारी अली दी, मेहर है सारी अली दी, शक न रह गया एक जरा। तो मेहर जो है ये सारी अहले बैत सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो सरापा मोहब्बत है उनका वजूद ही, तो ये एक मुमासलत है लफ्जी भी मानवी भी। हजरात, इन लोगों के अय्याम मनाने का मकसद इनकी तशहीर नहीं होती कि हम इनको शोहरत दें, बल्कि उस पैगाम को शोहरत दें जो पैगाम इन्होंने दिया है। और मैं आपको बताऊं कि उसी पैगाम के सदके अल्लाह ताला इनको मशहूर करता है, और अल्लाह ने मशहूर किया है किरदार के हवाले से, पैगाम के हवाले से। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहदे मुकद्दस में जितने सहाबा थे, आपके बाद ताबीन, आइम्मा, फुकहा जितने गुजरे हैं, हर शख्स को देखेंगे कि वो किसी वजह से मशहूर है, उसकी वजह शोहरत, कोई उसकी सिफत है, किरदार है। करबला में जनाबे हुसैन का किरदार ही उनकी वजह शोहरत बनाना, नवासे रसूल होना अगरचे बजाय खुद एक शरफ है, इतना बड़ा शरफ कि उस शरफ का, उस शरफ की कोई मिसाल नहीं, लेकिन उन्होंने इस शरफ पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि जब वक्त पड़ा तो उन्होंने अपनी कुर्बानी भी पेश की, अपनी सलाहियतें भी पेश की अल्लाह की बारगाह में। तो इन लोगों के, इन लोगों का जिक्र तज़किरा ये बजाय खुद ये दलील है कि उन्होंने ऐसा पैगाम छोड़ा है। और हजरत मौलाना फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी शख्सियत और शेर व अदब में उनको जो इनफरादियत हासिल है, हर फन में अल्लाह ताला ने उनको नाबगह रोजगार बनाया, बड़ी सलाहियतों से नवाजा। तो उसमें जहां फिका और शरीयत के उसूल और पैगाम देने का जहां तक ताल्लुक है, वो तो उनकी किताबों में, तसानीफ में मौजूद है, लेकिन असल मकसद हजरत फाजिल बरेलवी का सारे कलाम, नसर, नज़्म, या मोबाइल बंद कर दें, शुक्रिया। तो उसका मकसद क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात आलिया से मुसलमान की निस्बत और मोहब्बत, ये असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। वो फरमाते हैं ना कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अब फराइज को फुरू कहना, देखे ना फराइज को एतराज है बड़ा कि फराइज किस तरह फुरू हैं,
नमाज फराइज में से है, हज फराइज में से है, जकात फराइज में से है, तो फराइज फुरू किस तरह है? असल जो है वो तो जड़ है, फुरू जो है वो टहनियां हैं, फराइज तो असल होने चाहिए। अहमद रजा साहब ने फराइज को फुरू कह दिया, हालांकि फराइज असल हैं। उलमा सुन रहे हैं तो इतराज पैदा होता है कि ये बज़ाहिर दीन के खिलाफ है, ये बात शरीयत के खिलाफ है। तो गौर करने से पता चलता है कि जहां से अहमद रजा बोल रहे हैं उसका मंशा ये है कि साबित हुआ, ये साबित का लफ्ज यूं नहीं लाए, ये रिजवी हजरत भी सुन रहे हैं, सुनेंगे आप लोग भी। अहमद रजा साहब पर बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं, तो आप देखें कि एक शायर होने की हैसियत से लफ्जों के का बरतना मैं जानता हूं, समझ आई? तो यहां साबित के लफ्ज का कि कोई तुक नहीं बनती थी भाई, पीछे कोई बात कहते तो साबित होती ना भाई, यूं उठते ही कह दिया साबित हुआ, आपने क्या दलील दी पीछे जो उसके बाद साबित कह रहे हैं? मौलाना सुलेमान साहब और फरमान, कौन सी दलील दी है कि आपने साबित कर रहे हैं? उठते ही साबित कह दिया। तो असल में हमारी कम इल्मी है कि हम इन लोगों के कलाम को समझने की अहलियत नहीं रखते और एतराज कर देते हैं। देखे ना, इसमें एक लफ्ज रखा गया है फुरू, और अगले मिसरे में असल रखा गया असलुल उसूल, असलुल उसूल। तो ये साबित का लफ्ज उन्होंने रियायत लफ्जी के हवाले से रखा कि असलुहा साबितुन वो फरुहा फि समा, क्योंकि कुरान मजीद में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है असलुहा साबितुन व फरुहा फि समा। तो फाजिल बरेली की फाजिलाना जो अंदाज फिक्र था, उन्होंने शेर में भी कुरान को नहीं छोड़ा, रियायत लफ्जी में वो साबित इशारा कर गए कि मैं इशारा दे रहा हूं उस आयत की तरफ असलुहा साबितुन, फरमाया कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। फराइज किस तरह फुरू है? फराइज तो असल है, नमाज दीन की असल है, हज असल है, जकात असल है, रोजा असल है, तो इनको फुरू कह दिया, टहनियां आएंगे तो असल कोई और चीज है, हालांकि इनको असल बताया गया है कुरान में शरीयत में। तो कोई इतराज कर सकता है कि ये फाजिल बरेलवी का तसर्रुफ है दीन में कि उन्होंने ये क्या कह दिया? उनको गौर करना चाहिए कि ये फराइज अगरचे एक एतबार से असल है, एक एतबार से इनका शरीयत में दर्जा असल है, लेकिन असल बात यह है कि एक और असल है जिस जो इनको मानने या मनवाने की असल है। अगर वो दुनिया में तशरीफ न लाती वो शख्सियत, तो यही नमाज, यही रोजा, यही हज, इसकी कोई हैसियत ना होती। तो फाजिल बरेलवी ये कहना चाहते हैं कि उसूल अगर देखा जाए तो शरीयत में बजाहिर जो है ये पांच चीजें जो हैं ये फराइज में हैं, उसूल हैं, उसूल दीन हैं, लेकिन जिसने ये बताया है, जो ये अहकाम लेकर आया है, अगर उसकी निस्बत से देखा जाए तो असल वो है, ये उसके फर्ज है।
समझ आई ना। तो अब साबित हुआ, मैं एक अपने एक मिसरा है इस पर मैं लगाया है। मौलाना फरमाते हैं कि साबित हुआ के जुमला کہ ثابت کا لفظ آیت کی مناسبت سے رکھا اصلہا ثابتن، چونکہ دوسرے مصرے میں اصل کا لفظ لا رہے ہیں اس لیے ثابت کا لفظ رکھا۔ تو میں نے اس کو ثابت کیا تین مصرے لگا کر۔ میں نے عرض کی صوم و صلاۃ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اور اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اصل الاصول بندگی یہ زمنان اس میں بات آ گئی اب میں آپ بات چلاؤں گا ایک اور شعر سن لیجئے فرماتے ہیں کہ لب وا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں یہ مواجہ شریف کے سامنے حاضری کا منظر پیش کر رہے ہیں حضرت فاضل بریلوی لب وا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں مصرے دیکھیں کہ سر پر سجا کے ہم دو سنا کی گھڑولیاں سر پر سجا کے ہم سنا کی گھڑولیاں وہ عاشقوں کی بھیڑ وہ لہجے وہ بولیاں وہ عاشقوں کی بھیڑ وہ
लहजे वो बोलियां जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां आलबवा है आंखें बंद है फैली हैं झोलियां कितने मजे देखिए एक शायर की हैसियत से उस बरेली के नाबगए रोजगार शख्सियत की बारगाह में मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। क्या जबान का शेर कहा, क्या लुत्फ है इसमें, मैं पेश कर रहा हूं। अगरचे मैं बरेली का नहीं हूं लेकिन बरेली की जबान मेरे रगो पे में मौजूद है। फरमाते हैं कि माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे मिसरे मेरे देखिए जां वार दूं ये काम जो मेरा सबा करे जां वार दूं ये काम जो मेरा सबा करे शेर उन्होंने कहा है ये बड़ा तफसील तलब है इसकी वजाहत में मैं नहीं जाता सिर्फ शेर सुना रहा हूं और उस पर दो तीन मिसरे अपने उसके बाद मैं हजरत पीर साहब की तरफ आऊंगा। फरमाते हैं कि मैं कोहनाज़ादे खाना हूं सूरत लिखी पुराना गुलाम घर का खाना था जो जद्दी पुश्ती मेरे माँ बाप ऊपर से खानादाद उसको कहते हैं जिसके बाप दादा उसी घर में पैदा हो वहीं बूढ़े हो वहीं मर जाएं और उसकी औलाद फिर पैदा हो
वहीं बचपन गुजरे, लड़कपन गुजरे, शबाब गुजरे, बुढ़ापा गुजरे, कहूलत गुजरे, उसके बाद वो भी मर जाए उसी घर में, फिर उसकी औलाद पैदा हो, फिर वो भी इसी तरह वक्त गुजारे, वो भी वहीं मरे। अहमद रजा कहते हैं, कमली वाले मैं तेरा वो गुलाम हूं जो खाना जाद है, आदम से लेकर अहमद रजा के वालिद तक जितनी पुश्तें गुजरी हैं, मैं खाना जाद कोना हूं, कोना पुराना, ऐ नवा नवा नहीं आया, ऐ नवा नवा सुन्नी नहीं बनया, पुराना जद्दी पुश्ती टुकड़े ते रोटियां खाने वाला तेरे दरवाजे दा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, तुझसे दर दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, अरे मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। समझ आई? तो फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मैं कोहना खाना जाद कोहना हूं, कोहना हूं, सूरत लिखी। इसका मिसरे का ताल्लुक अगले मिसरे से है। ये बात अलग खत्म होगी, मैं खाना जादे कौन हूं एक बात मुकम्मल होगी। अब ये दूसरा जो टुकड़ा है इसका ताल्लुक अगले मिसरे से है। सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर पितर की है, क्यामत तक मेरी जितनी पुश्तें गुजरी हैं, कमली वाले तेरे गुलामों, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा तेरा गुलाम चला आ रहा है, और मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी परदादी, मेरे जितने और मुकद्दस रिश्ते हैं वो सब कमली वाले तेरी कनीजे हैं, बंदियां हैं तेरी, और ये आज नहीं, ये आदम से लेकर अहमद रजा के वालिद तक। और सूरत लिखी हुई, मैंने एक खिताब में ये बयान किया था भाई, ये मुहावरा नहीं है, सूरत लिखना, सूरत देखना तो मुहावरा है, लेकिन सूरत लिखना क्या है? जबान वाला इतराज करेगा कि ये हम रजा साहब मुहावरे के खिलाफ कह गए, सूरत देखना होता है, ये सूरत लिखना क्या है? लफ्ज लिखना होता है, हर्फ लिखना होता है, जुमला लिखना होता है, सतर लिखनी होती है, खत लिखना होता है, सूरत लिखना कोई मुहावरा नहीं है। सारी लोग उठा ले, असल अहमद रजा बरेलवी की रूह यहां मौजूद है, वो मेरी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, ये आवाज उन तक अल्लाह पहुंचा रहा है। बड़े बड़े फाजिल बरेलवी के मद्दा हैं, कोई किस अंदाज से करते हैं मदा, मगर मैं बड़ी अकलमंदी और दानाई के साथ उनकी बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश कर रहा हूं, और कोई खुशामद नहीं है उनकी, एक फन और इल्म के हवाले से पेश कर रहा हूं। मैं खुद भी बड़े टैकन आदमी है, ऐसी गल कोई नहीं, ऐसी गल देखें, फरमाते हैं, फरमाते हैं कि सूरत लिखी हुई, भाई ये सूरत लिखना मुहावरा नहीं, ये क्या कर दिया? इतना बड़ा शायर, ज़बान दान, बरेली यूपी का दिल, है जी? तो असल एक बंदा मुझे कहने लगा, भाई ये यूपी में है तो कहने लगा ये यूपी अंग्रेजी का लफ्ज है, ये तरकीब क्या है? मैंने कहा इसका भी मैंने, चूंकि अहमद रजा वहां है,
इसलिए इस यूपी का मैं ना मैं जानता हूं, मैं तशरीह करूंगा। उसने असल फाजल बरेलवी ने, अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यूपी के दिल में बरेली में खुमकते इश्के मुस्तफा खोला हुआ है, उश्के मुस्तफा का एक शराबखाना खुला हुआ है। अशआर की सूरत में जाम पिलाए जा रहे हैं, सारी दुनिया को मस्त किया जा रहा है। ठीक है, तो एक मैखाना खुला हुआ है। तो असल में अहमद रजा कहते हैं, ऐ आने वाले अगर तू आया है तो यू पी, तू आने वाले तू भी पी। इसमें भी दावत दे रहे हैं, जो शराब खाना मैंने खोला है इश्के रसूल का तू भी पी। आ गया शेर। ये एक अजीब बात होती है कि आज मैंने एक शेर देखा अकबर इलाहाबादी का, मैं आपको सुना रहा हूं। ये पी पर आ गया, मस्तिये मौसम में कहता है पपीहा पी कहां, ए पपीहा पता था? तो ये मौसम की मस्ती जब बाहर आती है तो पपीहा बोलता है तो वो क्या कहता है? मस्तिये मौसम में कहता है पपीहा पी कहां, वो मेरा पिया कहां गया। मस्तिये मौसम में कहता है पपीहा पी कहां, सब यही कहते मगर हर एक ने ऐसी पी कहां, सब ये कहते हैं मगर हर एक ने ऐसी, जैसे इन्होंने पी है, इल्म भी है, कमाल भी है, फजल भी है, इश्के रसूल भी है, सब कुछ है। तो कहते हैं हाँ, क्या मैं पेश कर रहा था, मैं खाना ज्यादा सूरत लिखी हुई कोई याद कर रखा करो ना गल। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलकका फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिम माशा रक्कबक। शेर को मैं कुरान से साबित कर रहा हूं। मुहावरा खिलाफ है, फी अय्यि सूरतिम है इंसान, तुझे अपने मालिक से किसने गाफिल कर दिया। अल्लज़ी खलकका, जिसने तुझे पैदा किया। अल्लज़ी खलकका फसव्वाका, तेरे आज़ा सीधे किए, फअदलक इस्तिवा पैदा की उनमें, मौजूनियत पैदा की, मुनासिब था तो मुतनासिब उलादा बनाया, अगर तू मुनासिब था तो मुतनासिब उलादा बनाया। फअदलक और फी अय्यि सूरतिन, जो सूरत वो चाहता था उसमें तुझे तरकीब दी, तरकीब दिया। देखें तरकीब क्या होती है। तरकीब एक तो ना भी तरकीब है, ये बैठे हैं मौलवी, ये ना भी तरकीब इबारत की पेश करते हैं कि कौन सी चीज कहां है और किसको कैसे होना चाहिए। तरकीब का ये मायना है, मफहूम ये होता है
कि ये लफ्ज अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बे जारा है, ये हर्फे जार है। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुनजो मुजखला रुबा हाशा मिन अदाफी याना ला हत्ता इला, तो ये हरूफे जारा है। तो बे जो है ये जर देती है। अब बिस्मिल्ला कह सकते हैं, बिस्मुल्ला या बिस्मल्ला नहीं कह सकते आप, ठीक है ना। तो ये किसको कैसे पढ़ना है, तो तरकीब रकबा क्या है कि किसकी नाक को कैसे होना चाहिए, किसकी आंख को कैसे होना चाहिए, किसके कान को, किसकी जबीन को, किसके हाथ को, पांव को कैसे होना चाहिए। सूरत जो उसने चाहा उसमें उसको तरकीब दिया कि इसके साथ ये मौजूद है, इसके साथ ये हुलिया मौजूद है। मतलब ये है कि मादर के शिकम में ये तरकीब दी जाती है, सूरत बनाई जाती है, रहमे मादर में बच्चे की सूरत बनाई जाती है, तरकीब दी जाती है। असल में फाजल बरेलवी इस आयत की तरफ इशारा भी दे रहे हैं कि सूरत लिखी हुई, देखे ना ये आपके पासपोर्टों पे सूरत लिखी होती है ना, नक्श जो होता है, अक्स होता है, वो लिखा हुआ होता है, गोया के जिस तरह हरूफ दूसरे लिखे हुए हैं। अगर ये लिखने का मकसद नहीं है, एक मिनट मिनट, ये जदीद दौर है, आपको पता है कि अब आप जाएं कहां एयरपोर्ट पे तो आपकी सूरत मशीन के सामने करते हैं तो आपका सारी तहरीर कि आप कौन हैं, कहां हैं, सारा कुछ निकल आता है सूरत सामने करने से। हालांकि सूरत हरूफ नहीं है, सूरत लफ्ज नहीं है, लेकिन सूरत सामने करने से आपका सारा डेटा जो है वो सामने आ जाता है। तो जी ठीक है कि नहीं, तो ये अहमद रजा साहब इस जदीद दौर में नहीं थे, ये उनकी जहन की रसाई देखें। वो कहते हैं कि सूरत लिखी हुई, एक तो ये कि मेरे माँ के शिकम में और मेरे अजदाद के शिकम में जिस वक्त में हम करार पाए अपने माओ के अरहाम में, तो उस वक्त तेरे बंदों और तेरे कनीजों में अल्लाह ने मेरे माँ बाप और दादियों की परदादियों की सूरतें लिख दी कि इसके बगैर इस किस्म के ये गुलाम ही पैदा होंगे, सब रसूल कमली वाले के गुलाम और बंदे और कनीजे पैदा होंगे, सूरत लिख दी है। सूरत लिखी हुई, समझ आ गई। तो क्या हुआ कि एक सूरत लिखी हुई का ये मतलब है कि जो उनसे निस्बत रखने वाला हो उसकी सूरत भी पहचानी जाती है। ये भी एक मफहूम है इसका, बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। मैंने अर्ज किया कि है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई। जान पाओ ये लखनऊ वाले बुलाया ने बरेली 190 किलोमीटर लखनऊ तो, समझ आई ना, जे उन लखनऊ ते बरेली वाले नी जबान बुलवाने पे हो तो कम से कम जागो, जान पाओ, देना चंजोड़ो अपनी जितनी काबिलियत ने सामने आनो। है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई, किरता से वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई, किरता से वक्त पर मत लिखी हुई, पुश्तों से घर में है ये इबारत लिखी।
फरिश्तों से है ये घर में इबारत के, क्या इबारत लिखी हुई है कि मैं खानाजाद को ना हूं सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। ये देखा ये हजरत फाजल बरेलवी, ये चूंकि मसाइल का वक्त नहीं है, मैं मसाइल से ज्यादा वो आग बेदार करना चाहता हूं जो फाजल बरेलवी का और हमारे सूफिया का मिशन रहा है, और इसी आग को आज दूसरी कुव्वतें बुझाना चाहती हैं कि आपके मुसलमान के दिल में गर्मी इश्क मुस्तफा खत्म हो जाए। तो जब ये गर्मी खत्म हो गई तो बेगैर क्या मुसलमानी है, कुछ भी नहीं। वो अकबर ने कहा था ना कि जो एक मजाक का शेर है मगर उसमें मानवीयत बड़ी है, कि जो वक्त खतना मैं चीखा तो नाई ने कहा हंसकर, जो वक्त खतना मैं चीखा तो नाई ने कहा हंसकर, मुसलमानी में ताकत खून बह जाने से आती है। तो बचपन से इंसान को खून बहने का दर्स दिया जाता है। छोटा बच्चा तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी का दर्स दिया जाता है कि ये तो इब्तिदा है, इंतहा जब आएगी तो उस वक्त भी तुम तैयार रहो। तो ये जज्बे के साथ है, और ये जज्बा अगर खत्म हो जाए, अगर बहू न रसीदी तमाम भूला भी, फिर तो भूला भी है। सिर्फ कुरान पढ़ने से और नमाजें पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं होता, असल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। हजरत पीर मेर अली शाह साहब मेरे जद्द अमजद हैं, आपका उर्स कल से शुरू हो रहा है, परसों 29 सफर उनका यौमे वफात है। तो अगर आपकी तालीम और तहकीक देखी जाए तो आपने जिस तरह हजरत फाजल बरेलवी ने बातिल फिरकों का रद किया अपने दौर में, उनकी किताबें और फतावे की सूरत में तमाम मवाद मौजूद है, तो इसी तरह हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में तकरीबन जो उठने वाले सवाल हैं उनका जवाब दिया। देखें आजकल का एक अहम मौजू, अहम मौजू क्या है कि ये जिहाद का फलसफा क्या है, और जिहाद मैंने एक इंटरव्यू में भी इस पर दीनी हवाले से गुफ्तगू की है। तो ये है कि दो चार आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, 1000-2000 आदमी लाठियां लेकर, बंदूक पिस्तौल लेकर बॉर्डर पे चले जाएं और कुछ तो खून करें, कत्ल करें, तो क्या इसकी शरीयत हैसियत क्या है? कुरान और सुन्नत के हवाले से हमारे फुकहा के नजदीक 1400 साल पर मुहित जो अरसा गुजरा है उसमें इसकी क्या हैसियत है? बगैर अमीर के सरबराह की इजाजत के हर शख्स डंडे लेकर उठ पड़ा हो तो क्या इसकी कोई हैसियत है? तो इस पर पीर मेर अली शाह साहब का तबसरा देखें। सन 37 में आपका विसाल हुआ, 1937 में, आज से बहुत पहले 70-80 साल, और ये जो इस्तिफ्ताह है ये तकरीबन 90-100 साल पहले का है। तो ये बड़ा अजीब सवाल है और इस दौर के लिए अहम।
मौलाना कयामुद्दीन अब्दुल बारी फिरंगी महली लखनवी, उनका यह खत था पीर साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा उसमें खिलाफत की बैत वगैरह के मुतल्लिक भी कि हमें खिलाफत क्या करनी चाहिए, हिंदू का अंग्रेज का दौर है, सरबराही है, हुक्मरानी, हम क्या करें। तो पीर साहब ने लिखा, सवाल अव्वल जनाब की के ख्याल में शरीयत इस्लामी की रूह से मुसलमानों ने हिंद को क्या करना चाहिए, अगर हिमायत इस्लाम उन पर फर्ज है तो बेदस्तोपा मुसलमान जो मादी कुवत नहीं रखते बेदस्तोपा हिमायत का क्या तरीका इख्तियार करें, ताकत ही नहीं अंग्रेज के साथ लड़ने की, तो आप ये क्या क्या करें। पीर साहब ने सारी तफसील कुरानी आयात लिखकर आगे फरमाते हैं, मदारे हुक्मे लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, और जाहिर है कि इरशाद जिहाद करीमा सैफ का ताल्लुक सलातीन इस्लाम व अस्हाब जमीयत से है। मतलब क्या है, इनकी इबारत भी जरा मुश्किल होती है, जरा समझिए, इसके लिए भी इल्म चाहिए। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कि उनको अलबत्ता यकीनन जरूर मैं जमीन में खिलाफत दूंगा, तो ये खिताब जो है ताकीद के साथ जो अल्लाह ने खिताब फरमाया है, ये सलातीन इस्लाम और असहाब जमीयत जो सारे कौम को इकट्ठे करने का जो सबब हैं, अमीर हैं, बादशाह हैं, उनकी तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया है, उनको खिलाफत में दूंगा। ठीक है ना, खुदा करे कि सल्तनत मजलूमा इस्लामिया जालिमों के पंजे से खज़लहुमुल्लाह ताला नजात पाकर हुसूल जमीयत और इस्तेताअत जिसकी मदार किल्लत और कसरत पर नहीं बल्कि तकवा और कुव्वत ईमानिया है, तामील करीमा मजकूर बाला का इजाज हासिल करे, बगैर इसके इमाम को भी किताल मुबा नहीं। ये देख रहे हैं आप जुमला के किताल तलवार के साथ निकलना, लड़ाई करना मुशरिकीन के साथ, काफरों के साथ, ये अमीर पर जो उस सल्तनत का अमीर हो उस पर भी उस वक्त वाजिब है जब उसे यकीन हो कि मैं कुफार का मुकाबला करूंगा और उन पर गलबा पाऊंगा, मेरे पास इतना साजो सामान है, मेरे पास वो मशीनरी है, वो असला है, तो उस वक्त उसको भी हुक्म देना चाहिए, वरना जो सरबरा है ममलुकत है उसको के लिए भी शरीयत में जायज नहीं कि वो कमजोरी की हालत में ऐलान जिहाद करे। ये आज का मसला आप देख लें कि आज यानी अजीब सूरत है कि बगैर किसी सरबरा के और ये टोलियां मुख्तलिफ जो बनी हुई हैं इसमें सरबरा ही जो है वो एक अमीर की इताअत में आप ये सब कुछ काम कर सकते हैं जिहाद। यही वजह है कि जो नथे लोग, जो बेदस्तोपा लोग, उनके पास वो असबाब नहीं है, तो आप देख लें उनका अंजाम क्या हुआ। आज तलवार का दौर नहीं है, आज बम का दौर है और बटन दबा देते हैं, अमेरिका में बैठे हैं, बटन दबाया पाकिस्तान खत्म, फलाना मुल्क खत्म, फलाना खत्म। तो हर दौर का एक तकाजा होता है, उसके हवाले से खुजू हिजरकुम अपना दिफा मजबूत करो, उनके मुकाबले में आ सकते हो तो आओ, वरना इस्लाम को शर्मिंदा ना करो कि आप मगलूब हो जाएं, दूसरा गालिब आ जाए तो काफिर हंसेगा, इसलिए फुकहा ने मना किया। और फिर जिहाद जो है ये सिर्फ ये तो किताल एक किस्म है उसकी, तलवार के साथ बम गोले के साथ निकलना, टैंक वगैरह लेकर निकलना, जिस तरह हमारे फौजी निकलते हैं, ये तो एक उसकी किस्म है। जिहाद की बहुत सी अकसाम है, जिहाद बिल सैफ है, जिहाद बिल कलम है, जिहाद बिल लिसान है, तो और तरीके भी तो हैं ना। जिहाद जबान का जिहाद, आप जो बातिल फिरके हैं, गलत नजरियात हैं उनका रद्द करें,
कलम के साथ तहरीर के साथ आप बातिल चीजों को रद्द करें। अब जरूरी है कि पहले ही आप तलवार उठा दें, अपना पता ही नहीं है, तो इज्जत के साथ इस्लाम की आबरू का ख्याल रखा जाए ताकि कोई फिरका जो बातिल है वो इस्लाम पर हंस ना सके। अगर पूरा गलबा हो तो पूरी तरह अल्लाह ताला उसको फतह भी अता फरमाए। ये आपका मकसद है कि जिहाद करें, लेकिन जिहाद के भी उसूल हैं, कोई जरूरतें हैं, फिका की किताबें इससे भरी हैं, आप देख ले कि किन किन सूरतों में जिहाद वाजिब है, बल्कि बाद दफा फर्ज होता है। ये एक बहुत बड़ा मसला था। इसी तरह आप देखें एक जगह फरमाते हैं कि मसलन आले मोहम्मद में कौन शामिल है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो फरमाया कि अल्लाहुम्म सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो इसमें हर नेक और मुत्तबे जो हुजूर का इत्तबा करने वाला इंसान है, यानी दो चार चीजों का इत्तबा, मुकम्मल उस्वा हसना का जो इत्तबा करना है वो इस आल में दाखिल है। और इसके अलावा फिर जहां जहां जो मना मुराद होगा उस मुनासिबत से आल का मना होगा, आल ही वसह भी अजमईन, तो आल से मुराद, क्योंकि वावे अथवा है तो आल से मुराद औलाद रसूल होगी, तो उसके बाद वसह भी, तो उससे मुराद सहाबा इकराम होंगे। तो जिस तरह करीना मौका आएगा उस तरह होगा, लेकिन दुरूशी में जो है आल जर्नल जो है ये हर मुत्तबे और नेक इंसान जो हुजूर का मुत्तबे है वो इसमें दाखिल है। इसी तरह आपके यानी हुजूर के मसला बशरियत में कि आपको बशर कहा जा सकता है, ये फतवा पूछा गया, तो आपने फरमाया कि बशर मेरे नजदीक कुरानी तालीमात के नजदीक बशर का बहुत मर्तबा ऊंचा है, क्योंकि इसी के सामने फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि तुम सजदा करो, ठीक है ना। तो बशर का बड़ा मकाम है, लेकिन उर्फ आम में बशर इस ढांचे को कहते हैं, ये जो आम लोग बैठे हैं, बशरियत का इतलाक इस पर होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अगर कोई कामिल और अकमल इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी के साथ बशर का लफ्ज लगाए बगैर किसी एजाजी लफ्ज के, तो वो लगा सकता है, बशर कह सकता है, बहुत ऊंचा आदमी जो हुजूर के मकाम और एहतराम को समझता हो और लफ्ज बशर का मफहूम भी समझता हो कि मैं किन मानों में ये ले रहा हूं। वरना अवाम के लिए पीर मीर अली शाह साहब ने ये फतवा दिया कि सिर्फ हुजूर को बशर नहीं कहना चाहिए, हम लोग आम लोग जो हैं, आप हमने अगर कहना है तो आपको सैयदुल बशर, फखरुल बशर, सैयदुल बशर, समझ आया, आलमुल बशर, अफजलुल बशर, कोई लफ्ज लगा करके बशर के जो बशरियत है, बशर के सरदार है आप। तो मैंने मेरी एक गजल थी तो फिलफदी उसमें मैंने शेर कहे थे, तो मुझे अपना मकता याद आ रहा है कि पीर साहब ने फरमाया ना कि इसका मफहूम जो है वो असल में बशर का वो बड़ा मुअज्जज मफहूम है, बशर कोई आम चीज नहीं है, बशर का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन आम जो लोग हैं वो समझते हैं हम भी उस उन जैसे बशर हैं, तो ये गलत बात है, ये गलत है। तो इसलिए ये लफ्ज लगाना चाहिए, और फिर उस पर मैंने भी इसी मफहूम को अदा किया और ये नूर बशर का झगड़ा मैंने मिटाने की कोशिश की थी। शेर सुनिए, शेर वैसे शेर नहीं है, इसमें मफहूम है, एक मसला है। उनको ढाला गया जब पैकर खाकी में नसीब, बशरियत के ढांचे में हुजूर को उनको ढाला गया जब पैकर खाकी में नसीर,
नूर होता रहा कुर्बान बशर होने तक। यानी हुजूर रिसालत में आपकी बशरियत का वो मकाम है कि बशरियत के मराहिल तय करने तक आप पर नूर कुर्बान होता रहा। तो ये कहते हैं हमारे एक तबका के वो नूर है बशर नहीं है, हालांकि कुरान से साबित है, कुरान कहता है बशर ही है, लेकिन वो ही बशर। अब देखे ना, मैंने उस दिन भी मफहूम बयान किया था कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। अब मिसलुकुम में उलमा बैठे हैं, कुम जमीर का खिताब का मुखातबीन कौन है? मुशरिकीन। मुशरिकीन मक्का है ना, तो आप माज अल्लाह क्या कहेंगे कि हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है कि तू ऐ मोहम्मद इनसे कह दे कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। वो कैसे बशर थे? वो तो मुशरिक थे। तो मतलब अल्लाह ताला माज अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम उन जैसे हो? ये तो शिर्क से निजात देने वाले हैं। तो मिसलुकुम का क्या मतलब है जो ये घड़ी घड़ी आयत पढ़ते हैं मुफ्ती साहब? मिसलुकुम, मैं बशर हूं तुम जैसा। मसलन मैं कहता हूं कि मैं मौलवी हूं मुफ्ती सुलेमान जैसा, तो इससे मुमासलत की मैंने क्या वजह, मुमासलत क्या है कि पढ़ाई लिखाई में मैं इन जैसा हूं, यही वजह है ना, इल्म वजह है ना। तो अगर आप किसी से तशबीह देते हैं तो मुशब्बा और मुशब्बा वही में जो वजह शिबा है, जो मुमासलत है, वो भी तो होनी चाहिए। तो अल्लाह ने जो फरमाया मिसलुकुम मुशरिकीन मुखातब है, तो इसमें मुमासलत किस चीज में है? अगर उनके अकीदे में है तो माजल्ला जो ये समझ कर कहते हैं वो दार इस्लाम से खारिज है खुद, कि माजल्ला हुजूर को भी वो मुशरिक समझ रहा है। मिसलुकुम जो कह रहा है अल्लाह, तो मिसलुकुम का मतलब क्या है कि ये नाक कान आंख जो जाहिर नजर आती है आजा का ढांचा, उसमें तू भी उन जैसा ही नजर आता है। तेरा भी एक ही नाक है, दो आंखें हैं, दो अबरू हैं, दो अगरचे वो दो अबरू कौस मिसाल दिसन। ये और बात है, जैसी नोके मया दे तीर छुटन, ये और बात है, लेकिन दो अबरू तेरे भी हैं, दो आंखें भी हैं तेरी, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पांव हैं, तो ये जो आजा की जहरी शक्ल है इसमें तू उनका मिसल है। ये बात है, समझ आई ना? अगरचे उसमें भी ये सिर्फ नजर आने के हिसाब से हुजूर की मुमासलत है, असल में नहीं है। हुजूर का जौहर और है, ठीक है ना? तो ये बड़ा बारीक मसला है, तो उठाकर इस आयत को हर जगह पढ़ देना, इसके लिए भी समझ चाहिए और बड़ा इल्म चाहिए। इस जात को देखना चाहिए कि कौन सी जात मुखातब है, किसके बारे में बात की जा रही है। हजरत पीर साहब ने अपने दौर में ये, मैं कुछ वैसे चीजें एक दो लाया हूं। अब हम मसलन औरात पढ़ते हैं, कसीदा गौसिया पढ़ते हैं, कसीदा बुर्दा पढ़ते हैं, लोग बहुत से कसीदे पढ़ते हैं। तो किसी ने पूछा तो फरमाया कि ये जो लोग ये कसीदे पढ़ने पर इक्तफा करते हैं उनको सोचना चाहिए कि जिन्होंने कसीदे लिखे हैं वो खुद क्या पढ़ते थे। क्या आपने कसीदे लिखे हुए पढ़ते थे? क्या दर्श दिया उन्होंने? सुने आप कि मतलब है कि कुरान मजीद की तिलावत करें। वो जिन्होंने कसीदे लिखे हैं वो खुद कुरान पढ़ते थे, हदीस पढ़ते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे, तफसीरें पढ़ते थे,
शरीयत पढ़ के उस पर अमल करते थे, ये तो उनके ज़ौक की एक चीज है, तुमने उसको वजीफा बना लिया, शरीयत की तरफ माइल किया लोगों को। मेरी बात समझी आपने? ये जरा कुछ ज़ौक की मैंने चीजें आपको सुना दी हैं, शेर भी तरह से सुना दी है, ज़ौक भी। अब जरा ये तालीम की बात भी सुने थोड़ी सी। अपने खानदान के किसी मलफूज नंबर 119 है, तो ये मलफूजात मेरी से मैं पढ़ रहा हूं। किसी एक नौजवान को अपने खानदान के किसी लड़के को, नौजवान को बैत फरमाई, तो उसने फरमाया, आपने फरमाया, मुशर्रफ फरमाकर हिदायत फरमाई कि जब तक बुजुर्गी का गुरूर सर से बाहर नहीं निकालोगे, बुजुर्गे हकीकी की बारगाह में बार नहीं पा सकोगे। कि तुम बड़े खानदान की हो, बड़े किसी पीर साहब की औलाद हो, किसी बड़े अल्लामा की औलाद हो, तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा शरफ है, तो तुम ये हो, तुम फलां हो, तुम फलां खानदान के हो। ये जो गुरूर है ना, ये तकबर जो है, ये जब तक अपने सर से नहीं निकालोगे, उस वक्त तक उस बारगाह में बार नहीं पा सकोगे। आजजी इख्तियार करो, उस शरफ के होते हुए भी अपने आप को कमतरीन खलायक समझो, हर दूसरे से अपने आप को घटिया और कमतर समझो, तवाज़ो रखो। और फिर फरमाया कि बनी आदम के शरफ का एतबार उसके अहसाब आमाल से है, नमाज इंतसाब नसब से। कि इंसान का जो एक मेयार फजीलत है, ये कुरान का मफहूम है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितताअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो हजरत पीर साहब उसी के मफहूम को अदा कर रहे हैं कि तुम इंसान का शरफ आमाल से है, कोई खास बात हो, आसाब हसब में बहुत सी चीजें आती हैं, इल्म आता है, शर्फ आता है, कमालात आते हैं, जो कमालात अल्लाह ने अता फरमाए हैं, फिर इंसान ने जो कोशिश की है, इल्म हासिल किया है, कोई जौहर, कोई कमाल हासिल किया है, तो उसकी वजह से होती है, ना कि सिर्फ माज नसब से, सिर्फ एक आली खानदान में पैदा होने से कुछ नहीं होता। जब तक इंसान वला मा कसबत वालेहा मत सबत, तो कसब जो है ये जरूरी है। अक्सर लोग इसी वजह से खुश्क और खाली रहते हैं कि बुजुर्गी और खुदी का फख्र अपने सर से नहीं निकालते। देखा उलमा के लिए, मुकर्ररीन के लिए फरमाते हैं, सुनो भाई अगे तो मां आने हो पई मौलवियां नहीं जान नहीं छोड़ना, ते पीर मेरे अली शाह साहब भी तुसा पे आने, तुसी तो बड़े बाद जमे हो, सारे हजरात खतीब मौलवी जितने हजरात हैं, देख रहे हैं, एक जनरल बात है, कोई उन्होंने किसी का नाम लेकर तो नहीं कहा, बात कही है मशायख के, सूफिया के मुतल्लिक भी उन्होंने कहा है, जिस तरह पीरजादों के मुतल्लिक कहा है, साहबजादों के मुतल्लिक भी उन्होंने, मैंने पेश किया है, कहा है उसको, तो इसी तरह इन लोगों जो मुस्लिहीन उम्मत है उनका यही काम है। फरमाया के फरमाया उलमा और वाइजीन का कलाम और तकरीर ऐसी होनी चाहिए जो सुनने वालों के लिए दिलपजीर हो। उन्होंने फरमाने इलाही उदो इला सबील रब्बे का बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, खुदा की राह की तरफ हिकमत और बेहतर पंदो मौइज़त के साथ बुलाओ पर अमल करना चाहिए, और बशरी और नफसानी जोश नहीं आना चाहिए। जबकि आजकल ये फसाद अंगेज तकारीर और फिरका वारियत फैलाने के लिए जो तकरीरें होती हैं, कुफर का फतवा होता है,
गाली गलोच होती है, ये शब्द सब चीजें ख्वाहिश नफसानी के तहत होती हैं। देखें ना, इसी की वजह से ये सारा शर फैल रहा है नेकी और हिदायत फैलने के बजाय। मतलब है कि हर आदमी को फिर आगे उसका मफहूम जो है वो फरमाते हैं कि हर आदमी को आप बुलाएं, अगर वो आपके मसलक और तरीके के दलील के खिलाफ है, समझिए कि ये बंदा इसकी अकीदा ठीक नहीं है, तो उस पर आप दलीलें पेश करें। इल्म पहले होगा तो दलील पेश करेंगे ना, इल्म ही नहीं है तो दलील क्या देंगे। दलील इल्म नहीं है तो आपने डंडे ही मारने, फसाद ही करना है, जिहाद ही करना है। इल्म है तो दलील से बात करें, समझाएं, उसके दलाइल सुने। अगर मजबूत हैं दलीलें, आपकी कमजोर हैं तो उसकी बात मान जाए, क्योंकि न शरीयत आपकी है न उसकी है, शरीयत तो अल्लाह रसूल की है। और अगर आपकी दलील मजबूत है तो उसको मानना चाहिए। तो फरमाया इसीलिए ये जितने फिरके हैं कुछ सहाबा से दूर हैं, सहाबा को समझ नहीं सके, कुछ अहले बैत को नहीं समझ सके। ये दोनों फिरके, ये दोनों तबके सहाबा और अहले बैत इफरात और तफरीत उम्मत का शिकार हो रहे हैं। घटाया बढ़ाया गया इतना कि एक फिरके ने समझा दूसरे को हमने नहीं बिठाना, ये गलत है, इससे हमने सलाम दुआ भी नहीं रखनी। हालांकि नहीं, आपको सलाम दुआ रखनी चाहिए, बोलना चाहिए अपनी मजलिस में। आप वो चीजें पेश करें जो आपके पास इल्मी मवाद है, दलाइल है, उनको करीब लाएं। देवबंदी हजरात हैं उनसे आप इल्मी गुफ्तगू करें, देवबंदी भी आपसे इल्मी बात करें। यही बशर का लफ्ज है, नूरो बशर का लफ्ज है, इतना बड़ा झगड़ा क्या है। किताबों में मौजूद है, जो इल्म वाले हैं आप उनके साथ गुफ्तगू करें, एक महफिल हो आराम से। जो इल्म वाले हैं वो दलील से बात मानते हैं, धौंस से कोई नहीं मानता। दलील इतनी बड़ी चीज है कि जब आप दलील देंगे तो दूसरा आदमी शर्मिंदा हो जाएगा कि अगर ये केस चार पढ़े लिखे आदमियों में उठ कर गया तो सच्चा तो ये साबित होगा। अगर जजों का एक पैनल भी बैठेगा तो वो फैसला इसके हक में देगा। मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। दलील का कमजोर होना इतने बड़ी चीज है कि वो अंदर से इंसान मर जाता है। लेकिन इसके बाद भी डटना और उस मौकिफ से न हटना, उसी पर मरना कटना, इसको कहते हैं जहालत। जहालत अरबी का लफ्ज है, इसका मैना अनपढ़ होना नहीं है। अनपढ़ अरबी में उम्मी को कहते हैं, उम्मी का मैना अनपढ़ है, जाहिल का मैना अनपढ़ नहीं है। सुन ले मेरी बात, जाहिल का मैना अनपढ़ नहीं है, जाहिल का मैना नावाकिफ, जाहिल का मैना नावाकिफ, जो किसी चीज का कि वाकफियत ना वकूफ ना रखता हो, समझ ना रखता हो, जाहिल का मैना ये है। यहसबहुम जाहिल अग्निया मिन ताफुफ, तो यहां जाहिल से मुराद क्या अनपढ़ है। तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसलून अन्नास इलहाफा, कुरान ने जो इस्तेमाल किया जाहिल को, तो जाहिल का क्या मानना है कि जो उसके हालात से बाखबर नहीं है, वो जब उसको देखेगा तो उसकी तहारत, वजाहत, पाकीजगी, रख रखाव से वो समझेगा कि ये तो बड़ा धनी आदमी, अमीर आदमी, हालांकि वो गरीब आदमी है। तो देखने में वो इतना कनात पसंद होगा और उसके चेहरे पर सब्र और शुक्र का वो वकार होगा के दाम देखने वाला जाहिल, जो उसका वाकिफ नहीं है, जो उसके हालात को नहीं जानता कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, पैसे कितने हैं, यहां जाहिल से वो मुराद है। तो मुफ्ती साहब, ठीक है ना, तो जाहिल का ये मतलब नहीं है, जाहिल का मतलब ना वाकिफ है। हां,
हमारे यहाँ आजकल इस्तेमाल किया जाता है, ये भी जहालत है कि जाहिल को अनपढ़ के माने में इस्तेमाल करते हैं, जाहिला। हालांकि ये माना नहीं, जाहिल का माना अरबी में होता है जिद्दी आदमी, जो हक को हक जानकर उसका जमीर मान रहा हो कि ये मैं धोखा कर रहा हूं, ये बड़ा बड़ा कमाल वाला है, इसमें बड़ी सलाहियतें हैं, बड़ी खूबियां हैं, बड़ा फन है, बड़ा इल्म है, बड़ी जहानत है, बहुत कुछ है, लेकिन मानता नहीं, जबानी इकरार नहीं करता, इसको कहते हैं जहालत। जिद पर कायम हो जाना, जानते हुए भी आलम गोया, एक जुमला पेश कर रहा हूं, गोया लफ्जी लुगवी माना के इतबार से जाहिल का लफ्ज एक आलम पर भी बोला जा सकता है, जो चोटी का आलम हो लेकिन हक का इनकार कर रहा है दलील न होने के बावजूद। दलील उसके पास नहीं है, जो उसका मद्दे मुकाबला है उसकी दलील मजबूत है, लेकिन दलील मजबूत होने के बावजूद नहीं मान रहा है आलम, लोगों के नजदीक वो जाहिल है, जिद्दी है, ढटाई पर तोला हुआ जिद्दी है, उस पर लफ्ज जहालत का इतलाक हो सकता है, वो जाहिल है। दलील दलील मैं देता हूं, अबू जहल, आप क्या समझते हैं कि अबू जहल को क्यों जहालत का जाहिल कहा जाए, लिख पढ़ नहीं सकता था, अच्छा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, फैसले करता था मक्के के जितने झगड़े बड़े बड़े कबीलों में होते थे, अबू जहल फैसला करता था। तो जब उसने हुजूर की तकदीर की, उसका लकब था अबुल हिकम, हिकमत का बाप, दादाई का बाप, हुजूर के पास इत्तला मिली तो आपने फरमाया इसको कौन कहता है अबुल हिकम कि दादाइयों का ये बाप है, मेरे जैसा रसूल सच्चा आ गया है, कुरान उतर आया है, आखिरी किताब भी है और आखिरी रसूल भी है, इन दलीलों के बावजूद अभी तक मेरा इनकार कर रहा है, वो तो अबू जहल है, जिद और डिटाई का बाप है, जहालत का बाप है। बात समझ आई? और सबा मौलका का शेर, सबा मौलका जब हम पढ़ते थे किसी जमाने में, दर्स के जमाने में, अमर बिन कुलसूम का ये कसीदा, वो कसीदे हैं जो काबा के साथ लटकाए गए थे, जिसके मुकाबले में इन्ना आता है ना कल कौसर उतरी, और चुपके से सारे कसीदे उतार कर ले गए थे, ये वो कसीदा है। वो कहते हैं ला ला यजहल अहदुन अलैना, खबरदार कोई हमें जिद्दी और जाहिल न कहे, फनजहल फौक जहल जाहिलीना, हम जहालत से बढ़कर जहालत का मुजाहरा करेंगे और जिद दिखाएंगे, ये हाल है अरब का। यानी अगर आप सोना जी तू जिद्दी है बड़ा, मैं साबित कर सका कि वाकई मैं जिद्दी है, ना मन नहीं चल चल के कर कर से नहीं मन नहीं, जद आखना के कहां चिट्टा है, आखना कहां चिट्टा है, कव्वा सफेद होता है, बस नहीं मानते, जो मर्जी कर ले, अल्लाह गर्व की कर सकता है ना, बंदे को मार सकता है, नीचे उतर कर भी आए, नबी आए तो नबियों को जो पैगाम आया तो गोया अल्लाह ताला खुद आया, एक अंदाज से अल्लाह ताला खुद तशरीफ लाया दुनिया में, लेकिन जिन्होंने नहीं मानना था, नहीं माना, आगे हिसाब तो देंगे, वो तो आएगा वक्त तो आए, लेकिन दुनिया में नहीं माना, तो जब अल्लाह की बात नहीं मानी, रसूल की बात नहीं मानी, इतनी शान वाला रसूल,
कि हम न देखे हुए देखे बगैर हम जान दे रहे हैं। ये जो अभी मैंने आपको हजरत फाजिल बरेलवी का और आशिकों का जो कलाम सुनाया, तो इन्होंने देखा तो नहीं, दौर तो नहीं पाया। तो इतनी शान वाला रसूल, इतनी बड़ी जात, और उन कमबख्तों को देखे कि जमाना भी पाया, देखा भी, 24 घंटे देखते रहे, मगर माना नहीं, अंदर मान गया, जबान से नहीं माना। तो अगर आपको मुझे दो चार जिद्दी आदमी नहीं मानते, तो आपको मुझे रोना नहीं चाहिए। ये नबियों के साथ भी यही सलूक हुआ है, अल्लाह के साथ भी यही हुआ है। कोई इंसान की ये फितरत है कि जब वो अपने आप को कमतर पाता है, सलाहियत में कम पाता है, तो जो फाजिल लोग हैं, जो सलाहियत वाले हैं, फिर उनको मानने से इनकार करता है, क्योंकि वो उसमें अपनी सुबकी देखता है कि अगर मैं इसको मान जाऊं तो फिर मेरी चौधराहट कहां गई। तो इसका बेहतर इलाज यही है कि कोई ना कोई खामी निकाल दे। भाई ठीक तो है, लेकिन ये बात जो है ये ठीक नहीं। वो एक जनानी ना जने नाल पेड़ पे चंगी टिका के लड़ाई हुई, ओ चंगी बेइज्जती करे, जनानियां अक्सर बेइज्जतियां ही कर रही होनी, चंगी चंगी नहीं आई है। बाहर तो बड़े बड़े बन के आते हैं, बड़े बड़े बन के आते हैं, लेकिन अंदर घर में जाए तो हर शख्स को अपनी असलियत का पता हो कि मेरी औकात क्या है। समझ आई ना? तो उसने बड़ा जनाब उसको, तो उसने बड़ा कुछ किया। दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन कि वो जिस खामत को बुरा कहती थी वो जनाब उड़कर गुजर रहा है उसके छत से। भाई बंदा उड़ रहा है, कमाल। वो जब उतर कर, अब देखो जी इंसान किस तरह उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता। वो जिस 24 घंटे गालियां कटनी थे, बुरा भला नहीं, वो पे उड़ना है। इतना करामत वाला होता, नेक आदमी है कोई, लद्दा गली कार मुड़ के आया, किसी से कहा कि तू पे उड़ना है, खिजी हूं समझ तक मैं गल नहीं रुकता पे दस हूं। इतनी बड़ी खूबी के बंदा उड़ रहा है, सारी गल वेख के हूं अंदरों अपनी गल उत्ते रखनी है ना, गालब क्योंकि लताड़ना जी आया, फिर लताड़ना भी तय है ना। उस आख्या गल तो ठीक है, मुझे पता, मैंने देख लिया, लेकिन गल के हैं जी जरा डिंगा जा हो के क्यों मिलना पे, ऐसे क्यों नहीं मिलना पे, तेरी परवाह है जिस तरह गुड्डा कन्नी खा बिना है, गुड्डे यार कन्नी खादी है, सीधा क्यों नहीं मिलना जिस तरह परिंदा उड़ रहा है। उस आका खुदा दिए बंदिए बस किधर नजर तो नहीं पै गई है, चलो हूं जे जी भी उड़ना पे उड़ना तो पे। उस आख्या उड़ने नहीं गल, डिंगा क्यों उड़ना है। ये हाल है आजकल के, ये मिसाल है मैं आपको दे रहा हूं कि ये जितने फिरके हैं सबकी बातें सारी गलत नहीं है, सारी बातें गलत नहीं है, कोई ना कोई चीजें ठीक भी हैं, लेकिन हम आपस की जिद में हमने वो पट्टी चढ़ा ली है जिद की कि जो सही बात भी है उनकी वो हम नहीं मानते। शिया की सारी बातें गलत तो नहीं है, देवबंदियों की सारी बातें गलत तो नहीं है, जो अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, नमाज रोजे की पाबंदी होती है, कुरान मजीद की तिलावत होती है, यानी सारा कुछ जो है वो ज़ाहिर शरीयत का भी एहतराम करते हैं, ख्याल करते हैं। शिया में, शिया हजरात में हुब्बे अहले बैत है, मोहब्बत है सारा, लेकिन इनके साथ हम अहले सुन्नत हैं, ठीक है, हम में अगर जो सच्चे लोग हैं, जो सही मसलक के हक्का पर चलने वाले हैं, उनमें ये है कि उनमें एतदाल है, एतदाल है। जिस तरह पीर मेर अली शाह साहब का, ये मैं आपको चीजें सुना रहा हूं कि फौरन कुफर का फतवा लगा देना और दार इस्लाम से खारिज कर देना, ये शान नहीं है उलमा की। तो जहां तक हम भी हद से बड़े हुए हैं बात चीजों में,
बुजुर्गों के साथ ताल्लुक रखने में, बुजुर्गों के साथ यानी वो सलूक इसमें देखें। वो फरमाते हैं कि नजरों ने आज जो ये नजर का जो लफ्ज है ये मखसूस है अल्लाह के लिए। नजर का लफ्ज अब बोलते हैं जी पीर साहब को नजराना देना है, ये पीर साहब का नजराना है, ये मैं फलाने नजर मानी है दरगाह में, तो आप ये नजर का लफ्ज क्यों बोलते हैं? ये तो अल्लाह के लिए खास है। इन्नी नजर तो ले रहमान है कुरान में आया है। तो पीर साहब ने लिखा है, पीर मेरे शाह साहब ने लिखा है। अब ये चीज पीरों को चाहिए कि मुरीदों को बताए कि ये मखसूस अल्लाह के लिए है। देखे ना पुराने मैं कई खिताबों में भी इसका जिक्र मैंने किया है, यही चीजें हैं बिदआत जो ऐसी चीजें उनको समझाना पड़ता है। तो उसमें वो कहते हैं कि एक हमारे आम सदा लगाई जाती है, मलंग लगाते हैं, लेकिन मलंग जो है वो अकीदा बयान कर रहा है, ये फिक्रा किसी खास आदमी का है कि नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन। सुना है ना आपने, ये अकीदा रखे आप, सदा ये लगाते हैं मलंग लोग जो आपसे मांग रहे हैं नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन, कहते हैं कि नहीं मतलब है कि वो कहते हैं नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन। देखो अकीदा कि नजर का ताल्लुक अल्लाह से है, नजर अल्लाह की मान माने नियाज़े हुसैन, हुसैन की नियाज क्या मतलब कुछ पका कर इसाले सवाब की दुआ करें, ये नियाज बुजुर्गों की होती है, नजर अल्लाह की होती है, ठीक है ना। ये और बहुत सी चीजें हैं जो हमारे अहले सुन्नत में आजकल के खासकर पीरों के हमारी खानकाहों में बड़े बड़े गलत अकीदे हैं। मौलवी और पीर जो हैं वो अपने यानी खुतबा को ये नहीं कहते कि गलत तरीके जो गैर शरी हैं उनको दरबार में खड़े होकर लोगों को मना करो कि ऐसा ना किया करें, कोई नहीं कहता। क्यों? वो पीरी चमकाते हैं कि हमें जब तक कोई हाजत रवा नहीं समझेगा कि मुश्किल की सारी कुंजी ना कोले ये बैठे जड़े एक कुंजी फिर सड़ते मुश्किल हल हो सी। तो अगर सच्ची बात बता दी जाए तो इनको नजराना कौन देगा, इनके हाथ कौन चूमेगा? ये हम में खराबी है पीरों में। मैं पहले मैं अपनी बात करूं, सबसे पहले मैं हूं। तो अगर ये मुझ में खराबी है कि मैं अपने आप को हाजत रवा समझ बैठू कि लोगों की मुश्किलें मैं हल करता हूं, तो ये कितनी बुरी बात है। मुझे अपनी औकात समझ में चाहिए कि मैं क्या हूं। मैं हर चीज में जात का मोहताज हूं, बीमार हो जाऊं तो भागता हूं जनाब बलाय शाह कोई इंतजाम का डॉक्टर ना। अच्छा डॉक्टर कौन सा है, दिल का कौन सा है, दिमाग का कौन सा है? तो मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। हम क्यों लोगों को गलत फहमियों में मुबतला करें कि हम आपकी हाजतें पूरे करने वाले हैं? हाजत हम नहीं, हम तो खुद मोहताज हैं आपकी तरह, बल्कि आपसे भी बढ़कर। सादी ने कहा है आनन के गनी तरंद मोहताज तरंद। जो लोग जितने गनी है ना बड़े हैं वो उतने ही मोहताज हैं। किस तरह ए बंदा फुटपाथ पे बैठा है ना, वो कितनी चीजों ना मोहताज है। बोलो जल्दी करो, सुते ना बोलो, एक कंबल एक ठीक पेस उस विच पता नहीं कितनी रोटी थी आज मार गए, ना कोई जुत्ती थे ना कपड़े हैं जी रखिया तले सिरे ते बच गया। आप जितने लोग हैं कितने मोहताज हैं? जितनी चीजें हैं आप घर का आपके घर में आप हर चीज के मोहताज हैं। जितनी चीजें हैं आपके घर में ऐ बुरश जनाब ऐ मंजन ते लाओ जी, पहले मंजन लाओ बुरश से, पहले डब्बी चाओ फिर बुरश ते लाओ फिर दंदा ते मारो फिर जनाब चाकी साबुन नहीं हो मुंह ते मारो फिर उस हाथा ते मारो फिर तौलिया चाओ उस मानो जेड़ा गदागार है ना फुटपाथ ते बैठने वाला उसका ते मुंह ही नहीं धोता। ओ सारी तकलीफां खलू मुबर्रा है
कुछ भी नहीं। आपने असबाब जितने अपने साथ समेटे हैं आप उतनी चीजों में मोहताज हैं। फ्रिज के मोहताज हैं, पंखे के मोहताज हैं, एयर कंडीशन। आपको मैं क्या बताऊं, आप कितनी कितनी बादशाह वक्त जो है सदर साहब से पूछे जाकर वजीर आजम से पूछे वो कितनी चीजों के मोहताज हैं, वो आपसे ज्यादा मोहताज है। तो उनकी जिंदगी दूभर है, मुसीबत में है, हर वक्त खुले नहीं फिर सकते। इससे बड़ी भी कोई मुसीबत है कि आप हम आजादी से बैठे फिर रहे हैं 24 घंटे, लेकिन जो शख्स शेड्यूल के अलावा वो निकल भी नहीं सकता, झांक भी नहीं सकता बार, इससे बड़ा आजाद। सोचे ना, तो जितने असबाब को आप अपने आप पर लगाएंगे उतने ही आप मोहताज होते जाएंगे। जितनी चीजें कम होंगी उतनी मोहताजी कम होगी। है जी, सादी ने कहा था कि आरिफा जमा न कर दंदों परेशानी ने। जो आरिफ है उसके जानने वाले उन्होंने कोई चीज जमा ही नहीं की है तो परेशानी नहीं है, कुछ जमा होगी तो परेशानी है। हाय, मिर्जा फैदल का एक शेर सुनाऊंगा। मौलवी इस दौर में ये शेर तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा, ना कोई ये बातें सुनाए। हम उस दौर की आखिरी तस्वीर हैं, खत्म हो गए लोग। जो मैं कलाम पढ़ रहा हूं ये अगर कोई गांव में बैठा हुआ है फाजिल इंसान और बेदिल और असाध्य को पढ़ने वाला कोई नबगे रोजगार बैठा है तो मैं नहीं कह सकता होगा कोई। जो स्टेजों पर बैठे हैं उनमें कोई नहीं है। और डॉक्टर असरार साहब कभी कभी कुरान शरीफ का वो मफहूम बयान करते हैं तो अपनी तकरीर में उन्होंने मिर्जा बेदिल और असाध्य का शेर पढ़ा। सिर्फ डॉक्टर असरार साहब, देखें हम तो काबिलियत और सलाहियत को मानने वाले लोग हैं। अब कोई इतराज करे जनाब डॉक्टर से, असरार साहब आपके हम अकीदा नहीं है तो आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? तो मैं इतना बखील नहीं हूं। मुझे बात कहने दीजिए कि जो सलाहियत है किसी की वो आप देखें कि उन्होंने दो चार शेर ऐसे सूफिया के पढ़े जो ऊंचे दर्जे के सत्ता के लोग हैं। आजकल कोई नहीं पढ़ता वो, ना किसी को पता है। उलमा को तो हवा भी नहीं लगी। डॉक्टर साहब का फोन पता करके डॉक्टर असरार साहब को मैंने लाहौर फोन किया। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, मैंने कहा मैं आपका तर्जमा भी सुनता हूं। तो बहरहाल आपने जो सूफिया के बाद शेर पढ़े हैं फारसी के, तो मुझे हैरत है कि आपका इतना मुताला है और आपका इतना ज़हन है कि आप जो मैं समझता था कि ये शेर मेरे बगैर और कोई नहीं पढ़ सकता था, तो आपने ये मेरा मुगालता खत्म कर दिया कि आप भी वो शेर पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बड़े खुश हुए, मेरी शायरी की तारीफ की कि आप बहुत बहरहाल उन्होंने जो कोई लफ्ज कहा, लेकिन और कोई लफ्ज नहीं कहा इसलिए कि अब जो कुछ मैं अभी मैंने मोहब्बत और इश्क का दर्स दिया है तो उनका अपना एक फलसफा है, उनके ज़ाविया नजर में ये एक ऐसी चीज नहीं है जो जरूरी है, बल्कि ये हमारा इख्तलाफ हो सकता है इसमें, लेकिन ये वो यानी गर्मी है, वो स्पिरिट है जो मैं आपको दे रहा हूं। सूफिया ने हमें दिया, अहमद रजा ने हमें दिया, पीर मीर अली शाह ने हमें दिया, अबू सईद अबुल खैर ने दिया, अल्लामा इकबाल ने दिया, वो है गर्मी इश्क मुस्तफा। तो जब तक ये न दी जाए तो शायद डॉक्टर साहब को इसमें शायद कोई इख्तलाफ हो, कोई और बातें हैं उसमें इख्तलाफ हो, तो उन्होंने और कोई किसी चीज की तारीफ नहीं की। बहरहाल ये भी उनकी मेहरबानी है, वो मुझसे बड़े हैं, उम्र में बुजुर्ग हैं। तो ये चीज जो है ये काबिलियत माननी चाहिए, तो नजदीक लाना चाहिए इंसान को। तो जितने असबाब आप पैदा करेंगे आप मोहताज होते जाएंगे। जितने असबाब कम है मोहताजी कम। मिर्जा फैदल कहता है
कि हाँ नासर जी सरंदी बल गए, वो भी है शेर भूल ही गया, हजारों की तादाद में मुझे याद है, लेकिन अब ये चीजें सुनने वाला ही कोई नहीं है, सुनने वाले कोई, किसको हम सुनाएंगे बातें। दौर ही बदल गया, अंग्रेजी का दौर आ गया, अपने अदब और सकाफत से कौम बेगाना हो रही है, नई नस्ल जो है खत्म हो गई, न उर्दू समझ, उर्दू भी नहीं आती, फारसी अरबी तो बाद की बात है, उर्दू भी नहीं समझ आती। वो कहता है कि असबाब बरा ज्यादा दिला सख्त हिजाब अस्त, मिर्ज़ा बेदिल कि असबाब जो है ना चीजें, ये जितनी चीजें हैं घर में, जितनी पड़े हैं आप, ये जितनी चीजें हैं ना, ये आजाद दिल जो लोग हैं ना, इनके लिए हिजाब है, बोझ है। अब दलील देखिए कि असबाब बरा ज्यादा दिला सख्त हिजाब अस्त, नजारा ज जमईयत मिजगा गिला दारत। बड़ा बारीक मजमून है, ऐसा मैं बयान कर गया ते बस अल्लाह को दुआ मंगो, इतना बारीक है कि मैं सके नहीं बयान कर रहा, मैं समझ रहा हूं लेकिन बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। ऐ नजारा, केड़ा नजारा जरा देख रहे हो तुसी, देखना देखना दीदन देखना, ये एक नजारा है, देखना एक अमल है, एक फेल है, ये आंख जो है इसका तकाजा क्या है कि ये पलकें हट जाएं, मैं सीधा देखूं बार कायनात को देखूं, ये आंख की पुतली का तकाजा है। वो बोलो सही नहीं चाहेंगे, ये मैं तो सांस ना करना पे ऐ दो चार से नास्ते में बोलना पे, ये एक महफूज रहेगा तारीख में, जो अहले ज़ौक सुनेंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूं। तो आंख खुलती है तो आंख की पुतली और रोशनी जो है आपकी आंख की ये तकाजा करती है कि मैं मनाज़रे फितरत देखूं। अब ये जो पलके हैं देखे मिर्ज़ा बेदिल ने, पलके कोई रियाज़ुद्दीन साहब आपने गिनी है कितने बाल होते हैं? जो लोगों के ऐप गिनते हैं वो अपनी पलकों के वाल भी नहीं बता सकते कि इनकी तादाद कितनी है। हमारा इल्म इतना महदूद है कि पलकों की बाल हम नहीं गिन सकते, हालांकि आंख के साथ हैं, शीशे में देखकर भी बंदा गिन सकता है, दूसरे से गिनवा सकता है, कभी ख्याल ही नहीं किया। अच्छा कितने बाल हैं? चलो जी 2000 होंगे, 4000 होंगे, जितने होंगे 200 होंगे, तो ये माने हैं, एक एक बाल पलक का नजारे के लिए माने है। एवं लत चाहिए पलका, एवं लत चाहिए नजारे में अख ने अगे हाय लोड़न में। तो कहता है कि जिस वक्त आंख खुलती है इंसान की, नजारे का जो शौक है वो परेशान हो जाता है कि ये पलकों का जो पंजा मेरे ऊपर सवार है ये बंद होना क्या इसके मेरे मुझ पर होना ये जरूरी है? मुझे तो आजाद होने चाहिए कि कोई पलक का बाल भी सामने ना आए। इंसान देखे ना तो पलक का बाल भी ऊपर से नजर आता है, देखें आप जरा। और कई लोगों की पलकें लंबी होती है, ठीक है? तो इतनी बारीक चीज जो है, नजारा जो है, ये देखने का जो अमल है, इसमें इतनी चीज भी अगर हायल हो जाए तो नजारा जमीयत मिजगा गिला दारत, वो गिला करता है कि ये पलके क्यों हैं, मेरी आजादी में ये फर्क ला रही हैं, ये हायल हो जाती है क्यों? तो क्या हुआ कि ये पलके जो हैं ये इस आंख के लिए क्या बने? असबाब। असबाब क्या बने? एक दो त्रै चार पांच छह, आप गिनते जाएं, ये 200 बाल हैं, 500 बाल हैं, कितने हैं? ये तादाद जो है असबाब की, ये आजाद के लिए एक बबाल है।
समझ आई? जितनी आप चीजें बढ़ाएंगे, जितनी आप अपनी आरजूएं लंबी करेंगे, इतनी ही आपकी सरदर्दी है। राती मंजी ते सोचे या अल्लाह त्रै साल तू ब्याह ना फलानी गल मैंने पूरी कर नहीं की थी ना, तो मतलब है कि जो उसने देना है आपको वो देगा। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाएं कि आपके आका का क्या अमल था, आपका तरीका क्या था। तो लंबी आरजुओं से, असबाब से आपको मना किया गया है कि जितनी आप ये चीजें जमा करेंगे आपके लिए वबाले जान होंगे। हजरत, मैं समेट रहा हूं गुफ्तगू को, तो माशाल्लाह आज की महफिल को मैं जहां तक मैंने महसूस किया, मेरे सामीन ने बड़ी दिलजमी से मेरी गुफ्तगू को सुना, और मैं जो पैगाम मैंने दिए हैं उसमें खुलासा यह है, सारी गुफ्तगू आप समझ चुके हैं कि हमारा कोई शेख, कोई पीर, कोई मौलवी हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल मदीना शरीफ है, ठीक है। हम किसी तरह मदीना शरीफ पहुंच जाए, ये हमारी मंजिल होनी चाहिए। और मदीने शरीफ पहुंचे, देखें आपके मेरे आका की सच्चाई और मकाम, वहां पहुंचे, अर्ज की या रसूलल्लाह आप तक पहुंच गए, मंजिल मिल गई। फरमाया नहीं, ये रिसालत की मंजिल अभी तुमने तय की है, अभी तौहीद की मंजिल रहती है। आओ मेरे काफिले में शामिल हो जाओ, और मदीने से अब ये काफिला मक्के शरीफ की तरफ चलेगा। जिस मंजिल का मैं मुसाफिर हूं, आओ मेरे साथ मेरे काफिले में शरीक हो जाओ। जिस तरह मैं मुवाहिद हूं, जो मेरा नुक्ता नजर है तौहीद में, वो अपनाओ, मेरे काफिले में शामिल हो जाओ। और जो मेरी तालीमात से हटकर तौहीद का जो मफहूम बयान करते हैं, और जो अल्लाह के खासान में अल्लाह के खवास को और मकबूलीन को की जो गुस्ताखी करके, उनको बेइज्जत करके जो तौहीद का अलम उठाते हैं, ऐसी तौहीद को हम नहीं मानते। अल्लाह ने जिनको इज्जत दी है, अल्लाह ने दी है, हम देने वाले कौन है? तो अल्लाह ने जिनको इज्जत दी है, हमने उनको इज्जत देनी है, हमारा हक बनता है। अरे हुकूमत का कोई नुमाइंदा सरबरा किसी को दलील नहीं होने देता। देखो ना, ये जियो पर हमला हुआ है ना, सारी कौम उठ खड़ी हुई, सदर साहब ने भी किया कि खबरदार तुमने क्यों ऐसा किया, कोई वाली वारस बना, सारी कौम वारस बन गई। सुनो गल में मुकाम लगाने, बड़ी टैके थे गल आई है, बड़ी टैके थे, बड़ी इज्जत नाल इस वजह से मुकाम। जियो 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 पर हमला हुआ, सारी कौम बेदार हो गई। बिला तफरीके मसलक ओ मजहब ओ मिल्लत, बोलो सही, अफीम खा के बैठे हो, बोलो ना, गल ठीक है कि नहीं? गल सुनो, और गल आई ना जरा जोक नहीं, गल आई है कि जियो खबर पर सब बोल गए, हमला हो गया। तो जियो माजी की खबर देता है, हाल की देता है, बोलो, जेड़ा गल गुजर गई है जियो उसने खबर देसी, जो हो रही है इसकी खबर देगा, जो कल माजी हो जाएगा उसकी खबर देगा, ठीक है। एक खबर देने का इदारा है, उस पर सारी कौम टूट पड़ी, पुलिस को बड़े बड़े अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया। क्यों? कि ये एक न्यूज एजेंसी
एजेंसी पर, अखबार खबर देने वाली एजेंसी पर उन्होंने हाथ उठाया है। ये तौहीन की है जो सच्ची खबरें देते हैं। ये सबने सुनी कि नहीं? जियो कोई लगी लिपटी नहीं रखता, सच बोलता है। ये सबने कहा, उसके सच बोलने की वजह से सारी उम्मत खड़ी हो गई कि तुमने इस पर हमला क्यों किया। अब जिस जात का जिक्र है उसका नाम लकब क्या है? नबी, या अय्युहन नबियो। नबा उनका माना है खबर देना, नबी का माना है खबर देने वाला। अरे जियो की खबरों पर जियो टीवी पर हमला करने वालों के खिलाफ बोलने वालों, जो माजी की खबर देता है, जो एक लम्हा गुजर चुका है उसकी खबर देने वाला है, हो सकता है कि वो खबर भी झूठी निकले, कोई आसमान से नहीं उतरी। हो सकता है उसकी इतना आप उसे मुतबर समझ रहे हैं ना, हो सकता है जिस तरह वो दे रहा है उस तरह ना हो, कोई 19-20 का फर्क हो। लेकिन जो आपका नबी है, मेरा नबी है, वो गैब की खबरें पहले की, माजी की भी देता है, हाल की भी देता है, और क़यामत तक देता है, हश्र की देता है, और मुस्तकबिल की देता है, हौज़े कौसर की देता है। समझ आई? तो न्यूज एजेंसियां सब उठी, हाय बोलो ए सुते हो, केड़े मसलक दे लोग बैठे हो, तुसी सुननी हो ओ सुन को मुश्ताक ते नहीं हो, सुन के फिर चुप हो। भाई खबर देने वाले एजेंसियां ते बंदिश नहीं होनी चाहिए, हमला क्यों होया है? ते जड़ा नबी ते हमला करे, जिड़े दारे नबी पर हमला करते हैं, नबी तो खबर देने वाला है, नब उनका मैंने खबर देना। जिड़ी दुनिया की खबर दे दे उससे कोई हमला करे तो सारी दुनिया बोले, ते जिड़े आलम मा काना मा मा ये कौन की खबर दे दे अगले पिछले की खबर दे दे नशेबो फरार दी जमीनों के साथ दी जमनूबो शमाल दी और कायनात ते हर अगर आ जावे ते कायनात ते हर जरे की खबर देवे। उठे तेरा जज्बा नहीं बोलता, उठे हमला कर देना तू। जिड़िया गैब दिया, अगर गैब की खबर पर एतबार नहीं है तो ये जितने लोग हमला करने वाले मैं उनसे मुखातब हूं। आपके पास क्या दलील है कि ये अल्लाह का कलाम है? बोले क्या दलील है? अरबी यही है, अरबी की तो लाखों किताबें हैं, बड़े बड़े फसाहा हैं, बड़े बड़े अदीब हैं, बड़ी बड़ी इबारतें मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने मुतनबी बनकर नबी बनकर अपनी तरफ से मुतनबी और हमासा जो पढ़ते हैं हम दर्स में, इन्होंने आयात की शान के मुताबिक आयतें बनाई। आप क्या कहते हैं? ये वैसे ही नहीं है, कुरान बड़ा मुकाबले का ये टक्कर लेते हुए आया है, बड़े लोगों ने इसे टक्करें ली हैं। तो आप इसको क्यों तिलावत करते हैं, क्यों नमाज में पढ़ते हैं, क्यों उसको इबादत समझ कर पढ़ते हैं? क्या आपके पास दलील है जो नबी के साथ टक्कर लगाते हैं, इतराज करते हैं, कहते हैं गैब नहीं जानता? तो ये जो कुछ बताया उसने भी गैब ही है ना, आपने देखा है? अल्लाह को देखा है? आलम बरजख को देखा है आपने? जन्नत को देखा है? दोजख को देखा है? जो कलाम बुलाया है, आपके पास क्या दलील है कि ये अल्लाह ही का है? आपके पास क्या दलील है? सिर्फ उस जात की जबान पर आपने इतबार किया।
जो गैब की खबर देता है, जो आप चाहे तो आपके ऐब की खबर भी दे सकता है, उसकी जबान पर आपने एतमाद किया, उसके नाम का कलमा पढ़ा, इतना बड़ा एजाज दिया अपने आप को, उनको नहीं अपने आप को, इतनी बातें करके फिर जनाब उनकी जो चीज हो जाए ये खबर नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, तो ये सारी खबरें जो उतारी है किसके उतारी है? तो ये है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अगर हमारे आका ना कहते तो आपके पास क्या दलील थी? ये भी तो हुजूर ने फरमाया ना कि ये मेरा कलाम है हदीस की सूरत में और ये अल्लाह का कलाम है। उनकी सच्चाई, अमानत और मकाम देखें, जो अल्लाह की चीज थी वो अलग करके दिखाई। तो ये सब कुछ उन्हीं का आता है, तो उनके मुतल्लिक भी अगर वो आप खबरें समझते हैं तो वो भी गैब की खबरें देने वाले हैं, आलम माकाना व मा यकून की खबरें देने वाले हैं, उस जात पर भी गौर करें, इतनी जल्दी जबान ना खोला करें। कौम को उठना चाहिए, जियो खबरें की तो दुनिया की खबरें हैं, ये एक नजर इनकी कीमत है, खत्म हो जाती है। अगले दिन हम दूसरी खबरों के मुंतजर होते हैं, और मेरे आका ने तो आदम से पहले की खबरें दी और क्यामत तक की खबरें दी, जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करके, जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल करके, सरकार ने सारा कुछ हदीसों में देखे, आपने तो इतनी सारी कुछ खबरें दे दी। तो आप अगर खबर वालों का और खबरों का एहतराम करते हैं तो इन उलुल अजम मुखबिरीन जो हैं खबर देने वाले, इनका भी एहतराम करना सीखें, वरना आपका ये दावा और ये शोर झूठ है, आपका झूठ है कि आप जो जाली चीजें हैं, जाली मशीनें हैं, उनका तो एहतराम करते हैं, लेकिन जो असलोहा साबितन व फरोहा फ समा, जिनकी जात यानी जिसकी वजह से ये पूरा नूर व ज़हूर है और ये सारी रौनक है, अगर उसके साथ आपकी आपका ताल्लुक नहीं है तो आपका ये सारा शोर गलत है। और ये अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत पीर मेर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह और इन जैसे तमाम अकाबर का जो सारा नज़म और नसर का जो कलाम है वो सब हुजूर की बारगाह में रिसालत के हवाले से हदिया अकीदत है और अल्लाह की बारगाह में तौहीद के हवाले से उसकी किबरियाई और उसका जो बड़ापन है उसको साबित करने के लिए है। इन्होंने अपनी जात के लिए सामने लाने के लिए कुछ भी नहीं पेश किया, ये तो आजिज बंदे बन कर रहे। हमें भी चाहिए कि हम इनके तर्ज अमल पर अमल पैरा रहे हैं और इस दौरे इब्तिला में बाहमी उखूवत दहशत और वहशत फैलाने के बजाय मोहब्बत और उखूवत जो सूफीज्म का दर्स है इसको अपनाएं। और ऐ दोस्त बतौल जोश मिली आबादी कि ऐ दोस्त दिल में गर्दे कुदूरत न चाहिए, अच्छे तो क्या बुरों से भी नफरत न चाहिए, कहता है कौन फूल से रगबत न चाहिए, कांटे से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए, इसकी रगों में भी है लहू सब्ज़ाज़ार का, अरे पाला हुआ है ये भी नसीमे बहार का, कांटा भी नसीमे बहार का पाला हुआ है, अगर कोई बुरा है कोई जैसा भी है पाकिस्तानी है, हुजूर के नाम पर इस हासिल किए हुए इस मुल्क का बाशिंदा है, उसको करीब लाओ, उसको ये दहशत और वहशत का निशाना ना बनाओ। अल्लाह ताला हमें दुआ करें, अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में हमारी इल्तिजाएं हमारी आरज़ूएं कबूल फरमाए। या रब्बल आलमीन, इस हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितनी दहशत फैल रही है इसको जो फैला रहे हैं उनको इस काम से बाज रहने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, हमारे इस कौम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमा। अपने अकाबर उम्मत के
तरीका हसना पर चलने की तौफीक अता फरमा, अपने हबीब की मोहब्बत से सरफराज फरमा। या रब ब मोहम्मद व अली व ज़हरा, या रब ब हुसैन व हसन व आले अबा, किस लुत्फ बरार हाजतम दर्द व सरा, बे मिन्नत खल्क या अली अल आला। या रब तू चुना कुन के परेशान शबम, मोहताज बिरादरान व फीशान शबम, चीज़े के दही बिदह मरा अज दर खीश, ताज दर तू बर दर ईशान शबम। रबना ला तो आखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अला लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिह, वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना, अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।